हेलो रोहान वेलकम टू कोची आज के सेशन में हम लोग नाइनटीन ऑफ डिसंबर 2021 को जो यू ट्रिपल एक्ससी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपको जनरल सेक्शन में जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे थर्टी क्वेश्चंस उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इसको ट्वेंटी में जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए किस तरीके से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग आज के सेशन को शुरू करते गए इस साथ साथ बताना चाहता हूँ कि नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन थे थर्टी क्वेश्चन जो जीके और जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे ये ऑलरेडी अपलोडेड है इसकी अगर आपको लिंक चाहिए इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे दूंगा काफी इंपॉर्टेंट है इस सेशन को जाके देखना होगा उसी के साथ हमारा जो जनरल अवेयरनेस का ई बुक है जिसकी वैलिडिटी वन ईयर है ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है इसको भी आप जाके परचेस कर सकते हो फ्लैट फोर्टी ए कूपन कोड लगा सकते हो जो आपका हंड्रेड रुपीज़ का ई बुक है आपको सिर्फ सिक्सटी रुपीज़ में देखने को मिलेगा इसका जो वैलिडिटी है वो एक साल का है और ये हमारे सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेगा जिसमें आपको स्ट्रैटेजी के हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी जनरल साइंस आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स ऐसे मिला के कंप्लीटली वन फिफ्टी पेजेस का ये आपको ई e बुक जो है वो देखने को मिला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी यू पी ट्रिपल के एग्जामिनेशन के लिए भी साथ साथ बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर कंप्यूटर अवेयरनेस के जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें उसके लिए भी ई e बुक जो है हमने अपलोड करा करके दोनों भी पार्ट्स का जो कंबाइंड पार्ट है और जो कंबाइंड प्राइस है वो है हमारा फिफ्टीन रुपीज़ ये भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में हमारे ई बुक के सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने इसको ई बुक देख अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा तो सेशन भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर उसको आप जाके देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर अवर्नस का थ्री अवर्स का एक मैराथन है जिसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है और उसका ई बुक चाहिए होगा तो ई बुक भी अवेलेबल है ठीक अभी है अभी हम लोग हमारे रेगुलर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो भी क्वेश्चन आपको यूपी पी ट्रिपल एसी में ऑफ डिसंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है क्वेश्चन काफी डिटेल है ध्यान में रखिएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन काउंट्स वो जो तो फॉलोइंग प्रोटोकॉल में भी यूज फॉर ई मेल कम्युनिकेशन ई मेल कम्युनिकेशन के लिए इसमें से कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो आपको ध्यान में रखना होगा सबसे ज्यादा एस एम टी पी पी ओ पी और आई एम ए पी ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है तो ऑप्शन जो है बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है ई मेल प्रोटोकॉल्स क्या है कि जिस द्वारा हम लोग ई मेल के अंदर कम्युनिकेट करते हैं ठीक है ध्यान में रखना होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है पी ओ पी थ्री ये जो है काफी कॉमनली पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री ये जो है ना काफ़ी कॉमनली यूज़ किया गया हमारा प्रोटोकॉल है जब हम लोग रिसीव करते ई मेल को ठीक है काफी इम्पोर्टेंट गए इसी तीनों भी uh, हमारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना होगा ओके ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर यूज फॉर ई फिर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि ई के लिए हम लोग इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते ठीक है ये है हमारा एस और पी ओ एस एम टी पी का अगर फुल फॉर्म पूछा गया तो वो फुल फॉर्म क्या होता है ये फुल फॉर्म भी काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनता है ठीक है एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये जो हमारा सेकंड सेशन है उसके अंदर हमने ये जो एब्रीवेशन है हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए थे ठीक है आई आई का फुल फॉर्म क्या होता है इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल ये भी कुछ आपको ध्यान में रखने रहते हैं बट आपको पता होना चाहिए कि एस और पी जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं हम लोग ई के अंदर यूज करते हैं ठीक है ध्यान में रखना होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फोइंग साइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग के इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं साइट ठीक है काफी सिंपल है लिंक इन पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ डेटा इन एम एस एक्सएल एम एस एक्सल के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट कैसी रहती है ठीक है तो ध्यान में रखना होगा जो हमारे टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट अलाइन रहता है ठीक है और जो नंबर right है वो राइट अलाइन रहते हैं ध्यान में रखना होगा कुछ राइट अलाइड दैट मीस अगर हमारा सेल है ठीक है तो नंबर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं और जो टेक्स्ट है ये हमारे लेफ्ट अलाइन रहते हैं यहाँ से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा एम एस एक्सएल का भी हमने जो डिस्कशन किया था उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन हमने हमारे जो मैराथन है उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब हमने हार्ड ड्राइव वाला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर पेरीफेल्स में हमने जो डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि एस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया क्योंकि एच का नेक्स्ट एडवांस वर्जन क्या है एस डी विच इज़ फुलफॉर्म्ड एज सॉलिड स्टेट ड्राइव इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता इसलिए काफ़ी फास्टर रहते हैं अबाउट और टेन टाइम्स ये फास्टर हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव से ठीक है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम का इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है ठीक है वो हो जाएगा काफी सिंपल है बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास में कौन से कौन से डिजिट्स आते हैं जीरो या फिर वन तो ऐसे कौन से ऑप्शन में वो ऑप्शन सी में विच इज ट्रिपल वन जीरो वन ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ठीक है आपको वो बाइनरी हेक्साडेसिमल ऑक्टल ठीक है और डेसिमल इनके जो रेडिक्स है ये आपको ध्यान में रखना हेक्सा के लिए हम लोग आ रहा बेस है सिक्सटीन ऑक्टल के लिए हमारे पास बेस एट ठीक है और डेसिमल के लिए टेन और बाइनरी का जो बेस रहता है वो रहता है हमारा टू ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोसेस जो सारी प्रोसेस होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे वो इफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा वो है हमारा टेबल प्रोसेस गाइस प्रोसेस टेबल ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रोसेस टेबल के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं सारे प्रोसेस ठीक है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कंप्यूटर हैज सी आर टी मैथो मॉनिटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर के अंदर कैथोड रे ट्यूब जो है उसके मॉनिटर्स रहते थे तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है यही में पूछा गया था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कैथोड रे ट्यूब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा करेक्ट जो कुछ इस तरीके से आपको कैथोड उड्रे ट्यूब देखने को मिलते थे ठीक है इस तरीके से जो बिग मॉनिटर्स रहते थे ठीक है वही हमारे कैथोड रे ट्यूब ठीक है इस तरीके से अभी तो हमारे पास फ्लैट एलईडी टाइप के रहते हैं या फिर आईपीएस पैनल पे हमारे पास मोनीटर्स अवेलेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल हेडर इज या फिर आर कंप्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ई हेडर के अंदर क्या क्या चीजें रहती है यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया ठीक है तो आपने यहाँ पे देखा होगा ई हेडर जब हम लोग एक ई मेल कंपोज करते थे यहाँ पर सबसे पहले टू रहता है ठीक है जिसको ई करना है ठीक है उसके बाद में रहता है सी सी ठीक है कार्बन कॉपी और बीसीसी रहता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका भी मीनिंग मैंने आपको बताया था हमारे मैराथन के अंदर कि सीसी और बीसीसी का मीनिंग क्या होता है करके और यहाँ पे हमारा रहता है टेक्स्ट बॉडी ठीक है तो इसके अंदर सेव रहता है क्या नहीं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फ्री स्टोरेज डज जी मेल प्रोवाइड जी मेल के अंदर कितना फ्री स्टोरेज अवेलेबल रहता है आपने देखा होगा फिफ्टीन जी बी का आपको क्लाउड स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ई मेल के द्वारा जिसमें आपका ड्राइव का भी इंक्लूडेड रहता है ड्राइव का भी स्टोरेज इंक्लूडेड रहता है अगर आपको एक्सिट कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन आता है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एक्शन शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू यूज़ द फॉर्मेट प्रिंटर मल्टीपल टाइम्स इन एम एक्स एक्सएल एम एक्स एक्सल के अंदर हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं देखिए फॉर्मेट प्रिंटर के क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट प्रिंटर क्या करते हैं अगर हमने इसका टेक्स्ट का हमें एक पर्टिकुलर जो फंड है ठीक है वो पर्टिकुलरली कॉपी करना है हर एक दूसरे सेल के ऊपर ठीक है वो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का काम करता है तो हम लोग इसको सेट करने की जरूरत नहीं कर रहे हम लोग इसका फॉन्ट कुछ डिफरेंट है इसी को हम लोग फॉर्मेट फॉर्मेट प्रिंटर से अगर हमने एक बार कॉपी करके रखा इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल जगह हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं सो दैट उसका स्टाइल जो है हम लोग उसको कॉपी करते हैं ठीक है तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का, का काम रहता है ठीक है तो इसमें से हम लोग कौन सी एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग उसको डबल लॉक कर देंगे फॉर्मेट प्रिंटर के आइकॉन के ऊपर जो छोटा सा फॉर्मेट प्रिंटर का आइकॉन रहता है ठीक है एडिट सेक्शन के अंदर ओके okay? और वो कहाँ पर रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए जो होम टाइप के अंदर हमारा एक फॉर्मेट प्रिंटर का क्लिप बोर्ड का सेक्शन रहता है ठीक है क्लिप बोर्ड के सेक्शन में आपको फॉर्मेट प्रिंटर देखने को मिलता है उसको डबल लॉक करेंगे तो वो हम लोग उसको मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर सकते हैं ठीक तो है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू फॉर्म दैट इज़ इंटेलिजिबल टू द यूजर इसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हमारे डिजिटल सिग्नल्स को सो so दैट जो यूज़र को अंडरस्टैंड हो सके है, तो वो है हमारा आउटपुट डिवाइस गाइस ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा जिसके अंदर हमारे फर्स्ट में स्पीकर मॉनिटर ये हमारे आउटपुट डिवाइसेज आते हैं प्रिंटर भी टाइप ऑफ हमारा आउटपुट डिवाइसेज है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रिसेंट ट्रेंड्स कैन बी डिफाइंड एज द एब्स्रैक्शन ऑफ अ डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसर मेमोरी एटसेट्रा एंड इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस आई टी एक्सपेंसिस जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअलाइजेशन गाइज ठीक है वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास में क्लाउड स्टोरेज भी आता है तो ये क्या होता है कि हमारे पास में डिफरेंट प्रोसेसर मेमोरी एक सिंगल एक इफेक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं हमारे पूरे सिस्टम को वर्चुअलाइज कर देते हैं ठीक है तो हमें जो हमारा एक्सपेंसिस लगता है प्रोसेसर मेमोरी और एक Uh, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा रिड्यूस हो जाता है ठीक है ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इसी इफेक्ट इसी हमारे स्टेटमेंट uh, को उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लालांकि ए आई सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन दिया था यह गलत हो जाता था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ यूनिक सिंबल यूज्ड इन द बाइनरीज नंबर सिस्टम इज़ व्हाट काफ़ी सिंपल है अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था दो क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के ऊपर पूछे गए नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी मैंने पंद्रह मिनट का सेशन आपको बताया था उससे कि सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया वो आप जाके देखेगा जरूर ठीक है एक हमें पूछा गया कि हालांकि मैं आपको उसका स्क्रीन शॉट भी मैंशन करे कितने नंबर ऑफ़ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में वो है टू काफी सिंबल है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन से कौन से जीरो या फिर वन ठीक है मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ क्योंकि वो आपको जाके देखना ही होगा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेशन को आप जाके अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा ये एक नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके अंदर आपको डिसिमल टू बाइनरी ऑक्टल टू बाइनरी ये जो अगर कन्वर्जन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन जाता है हालांकि इसमें हमने बेसिक्स भी क्लियर किया है जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम रहते हैं और उसके बाद में उसके जो न्यूमेरिकल्स है ये भी हमने डिस्कस कर चुके आपको कोई भी बेस टू एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है और वो आपको इस सेशन से क्लियर हो जाएगा ठीक है अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको प्लीज़ जाके देखेगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विथ द फॉलोइंग शुड हैव अ सेम नेम एज अ क्लास नेम इसमें से क्लास नेम का क्या सेम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर ठीक है कंस्ट्रक्टर शुड हैव अ सेम नेम एज अ क्लास नेम ध्यान में रखना होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी लैंग्वेज सी एम हमें क्वेश्चन में पूछा गया ठीक है सी प्लस प्लस में नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई मेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स बताए गए और हमें करेट ऑप्शन फाइंड आउट करना होगा ठीक है द यूजर नेम एंड डोमेन आर सेपरेटेड बाय द एट द रेट सिम्बॉल करेक्ट जो यूजर नेम रहता है जैसे आपने एक लिख लिया कोचिफॉय ठीक है ये हो गया हमारा यूज़र नेम ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है ये ऐट द रेट से हम लोग क्या किए जो डोमेन है जी मेल डॉट कॉम इसको हमने सेपरेट कर दिया यूज़र नेम से ठीक है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा एंड ई मेल एड्रेस आर केस सेंसिटिव ये गलत है ई मेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं रहते ठीक है हालांकि आपने कुछ इस तरीके से भी लिख लिया कि सी हमारा कैपिटल है सी ओ ए ठीक है तो ये उसमें कुछ सिग्निफिकेंस नहीं हालांकि पासवर्ड जो है वो के सेंसिटिव रह सकते हैं अगर आपने कैपिटल पी की जगह स्मॉल पी इंसर्ट किया ठीक है तो ये कैस के सेंसिटिव रहता है लेकिन ई मेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव नहीं रहते ठीक है इसलिए फर्स्ट ट्रू हो जाएगा सेकंड गलत हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इस वाट इडलॉक डेडलॉक का मीनिंग क्या होता है हमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया ठीक है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हर एक प्रोसीजर जो है ब्लॉक की जाती है और वेट करती है अदर टू रिलीजर सोर्सेज उसी को हम लोग कहते हैं डेड लॉक मतलब क्या है हर एक प्रोसेस को ब्लॉक किया गया है ठीक है वो ब्लॉक हो गया और वो वेट करे दूसरे प्रोसेसर्स का कि वो रिसोर्सेज को जो है वो रिलीज करें ठीक तो है तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए होता क्या है डेड लॉक में आ, कि कुछ कंडीशन होल्ड और वेट पे चले जाती है या फिर सर्कुलर वेट रहता है ठीक है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट रहती है ठीक है और दूसरा प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ करते रहता है उसको होल्ड पे डालता है फिर इस प्रोसेस इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मान लो एक पर्टिकुलर रिसोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो वो अवेलेबल नहीं रहता इसी को हम लोग कहते हैं डेड लॉक ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एस देखिए हमने अभी डिस्कस किया और ये क्वेश्चन पूछा गया एस एम का फुल फॉर्म क्या है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारा सेकंड सेशन है गाइस वन आवर का ठीक है जो हमने मैराथन का एक एक्सटेंशन सेशन बनाया था उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फुल फॉर्म्स और एब्रीवेश हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्कस किया था एस का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर द फॉलोइंग व्यूज ऑफ एम एस डॉस वर्ड शोज द टेक्स्ट एज इट अपियर्स इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट विदाउट द देडर्स एंड फुटर ऐसा कौन सा व्यू है एमएस वर्ड का जो शो करता है हमारा टेक्स्ट जैसे कि वो प्रिंटेड फॉर्मेट में अपियर होगा बिना हेडर्स और फूटर्स के तो वो होता है हमारा ड्राफ्ट व्यू ड्राफ्ट व्यू में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आ, हमने कॉन्टेंट क्रिएट किया है वो आपको एज अ एक्चुअल में किस तरीके से देखा बिना हेडर और फूटर्स के ठीक है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इन एक्सेल ट्वेंटी सिक्सटीन इफ़ यू वॉन्ट टू इंसर्ट द थ्री कॉलम्स बिटवीन द कॉलम जी एंड एच यू वुड ठीक है अगर हमारे पास में कॉलम्स है जी और एच ये हो गया हमारा कॉलम जी एंड ये हो गया हमारा एच इसके बीच में हमें तीन कॉलम्स एड करना है इसमें ठीक है तीन कॉलम्स को हमें ऐड करना है वर्टिकली ओके okay, तो हम लोग क्या करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे एच कॉलम को राइट right क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट थ्री टाइम्स सिंपल है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ मेकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग ई मेल फ्रॉम रिमोट सर्वर फॉर एन मेल रेसिपेंट इसमें से हम लोग कौन सा ऐसा मेकनिज्म है जो प्रोवाइड करता है ई मेल को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम अ रिमोट सर्वर फॉर अ मेल रेसिपेंट्स तो वो रहता है हमारा पॉप सर्वर ठीक है पॉप सर्वर का फुल फॉर्म क्या है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ओके ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल ट्वेंटी सिक्सटीन के अंदर विंडो कैन बी स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक विंडो को हम लोग दोस्त इसमें स्प्लिट कैसे कर सकते हैं ठीक है कौन से ऑप्शन से हम लोग करेंगे व्यू के ऊपर क्लिक देन विंडो देन स्प्लिट सिंपल है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा इसलिए आप क्या कीजिएगा एक जो आपका कंप्यूटर के अंदर आपका जो एक्सेल है पावर पॉइंट है और वर्ड ये तीनों को अच्छी तरह से गो थ्रू करेगा कि क्या क्या फंक्शन से क्या क्या चीजें होती है इस तरीके से आपको फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर आप जल्दी से कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी ओवरलोडेड जो फंक्शन है उसको हम लोग ओवरलेड कर सकते थे ठीक है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ठीक है जो हमारे पास में जो टाइप ऑफ ओवरलोडिंग रहते हैं सी प्लस प्लस में वो है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओके तो यह है हमारा फंक्शन जो है वो ओवरलोड कर किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मॉडर्म्स कंटेंट्स द क्लॉक रिकवरी सर्किट विच टाइप ऑफ मॉडर्न कंटेंट्स क्लॉक रिकवरी सर्किट तो वो हमारा सिंक्रोनस मॉडर्म के अंदर क्लॉक रिकवरी सर्किट्स इंक्लूडेड रहता है ओके ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजे द फॉलोइंग इज या फिर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी मेन मेमोरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है तो सबसे पहला है कि इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर ये स्टेटमेंट करेक्ट है ये फास्टर रहती है हमारे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी ठीक है कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट अ प्राइमरी मेमोरी ये तो स्टेटमेंट करेक्ट ही है ठीक है दैट मीनस हमारे तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है मेन मेमोरी से रिलेटेड अब प्लीज गाइज एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे दोनों भी सेशन है फर्स्ट और सेकंड मैराथन प्लीज जाके देखिएगा क्योंकि आपको यूपी पी ट्रिप यूपी ट्रिपल इससे एग्जामिनेशन के कंप्यूटर अवेयरनेस को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम एस रैम की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो ये क्या है ऑप्शन बी इट नीड्स टू बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स इन अ सेकंड ये गलत है ठीक है इट सेल इन एस रैम मेडजप ऑफ फिफलॉप मेडअप ऑफ फ्लिपलॉप दट स्टोर्स अ बिट स्टेटमेंट करेक्ट है इट हैज अ शॉर्टर रीड राइट साइकिल एज कमेयर टू डी रैम डायनेमिक राइट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से साइकिल जो इसकी शॉर्टर uh, रहती है ठीक है एस रैम जो है यूज़ किया जाता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहेगा विच इज एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सिस मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ठीक है और अ कंप्यूटर स्टार्टअप विच प्रोग्राम लोकेट एंड लोड कर्नल इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन ठीक है ऑन अ कंप्यूटर स्टार्टअप विच प्रोग्राम लोकेट्स एंड लोड कर्नल इन टू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन कंप्यूटर स्टार्टअप के तहत तहत कौन सा प्रोग्राम लोकेट करता है और लोड करता है कर्नल को मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए तो वो है हमारा बूट स्ट्रैप प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गा इस बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो है लोड करते हैं हमारे कर्नल को मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन होने के लिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आयो डिवाइस इज अ लॉक डिवाइस इज अ ब्लॉक डिवाइस इसमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो हमारा ब्लॉक डिवाइस वो है हमारा यूएसबी पोर्ट गाइस बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के तहत कौन सा नाम uh, दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ठीक है ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा काफी सिंपल है द बुक मार्क्स आर यूजना एम एस वर्ड टू एम एस वर्ड के अंदर बुक मार्क्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस हम लोग बुक मार्किंग कुछ इस तरीके से करते हैं एक हमारा पेज है एक मान लो थर्टी फाइव पेजेज़ का प्लस पेजेस का एक हमारा एक पेज है उसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड्स को पर्टिकुलर लाइन को हमें बुक मार्क करके इसलिए रखते हैं कि सो दैट हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग उसको इजीली रि करना है तो उसको हम लोग इजीली रि लोकेट कर सके ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी तो ये थे गाइज कुछ थर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीटर पॉलिसी ने पूछे थे आई होप आपको क्वेश्चन का अंदाजा आ जाएगा कि किस लेवल पर क्वेश्चन पूछे गए थे अगर आपको नेक्स्ट इसके लिए भी सेशन चाहिए होंगे यूपिटर पेलीसी के कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मैंशन करेगा जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए पर्टिकुलर सेशन प्रोवाइड करा दो सो आशा करता दो आपको आज का सेशन समझ में आगेगा इस सेशन को आपके दोस्तों से साथ शयर करिएगा हमारे चैनल कोचिफाइक को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिएगा और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सारे जो लिंक्स मैंने बताए थे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस सेशन को आपके दोस्तों से साथ शेयर करिएगा कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग सेशन हैव अ नाइस डे